हेलो एवरीवन्स, वेलकम बैक टू द अनअकैडमी जे यूट्यूब चैनल। मायसेल्फ पारस ठाकुर। और बच्चों, आज हम एक काफ़ी डिफरेंट टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ आईआईटी ऑन अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स, राइट। तो काफ़ी टाइम से बच्चे बोल रहे हैं कि सर, आपने स्टार्टिंग है कुछ चैप्टर्स के, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स के, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने करवा दिए थे, बट ऑर्गेनिक वाले पार्ट के बाकी के चैप्टर्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें करने हैं। बिकॉज जब भी मैं आपको बोलता हूँ कि केमिस्ट्री के लिए आप लास्ट के 3 महीनों में क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर आईआईटी के क्वेश्चन, मतलब ये तीन इतने बेसिक चीजें हैं कि आप जो बोल रहे हैं कि सर हम स्टडी मटीरियल सॉल्व करें, सर हम ये वाली बुक सॉल्व करें, वो वाली बुक सॉल्व करें, दैट इज ऑल आफ्टर वंस यू हैव सॉल्व्ड द प्रीवियस ईयर आईआईटी के क्वेश्चंस, राइट। तो बच्चों, आज अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले आईआईटी के डिस्कस। तो अभी जितने भी नए बच्चे क्लास में हैं, अभी के अभी सब्सक्राइब करो एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको सारी सारी क्लासेस की नोटिफिकेशंस आती रहे। लेक्चर सही लगे तो लाइक जरूर करना, और अभी के अभी जो बच्चे लाइव आ चुके हैं, जस्ट शेयर इट ऑन योर इंस्टा एंड फेसबुक प्रोफाइल विद द हैशटैग जेई लाइव डेली। यस, अगर आप जेई लाइव डेली के साथ इसको शेयर करोगे एंड वी फाइंड योर पोस्ट, तो डेफिनेटली आपको मैसेज आएगा, उस पर आपको रिप्लाई आएगा, एंड यू कैन ऑल्सो टैग द इंडिविजुअल एजुकेटर्स। आप मुझे टैग कर सकते हो इंस्टा पे, राइट, ऑन द पोस्ट। चलिए बच्चों, एंड अगर आप अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे साथ कनेक्ट नहीं हुए, देन प्लीज डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप ऑन योर मोबाइल, ओपन द ब्राउजर। तो ब्राउजर ओपन करके, मतलब क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, जो भी आपका ब्राउजर आपके पास फोन में है, ओपन करके वहां पर टाइप करना है tinyurl.com/jlivechat। तो आप हमारे ग्रुप पे आ जाएंगे, जिसपे ऑलरेडी बेटा अराउंड 22,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, और वहां पर आपको सारी सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड क्लास नोट्स मिलते हैं, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल, यहां पर आपको फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन तो मिल ही रही है। अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे प्रेपरेशन चाहिए, आपको टॉप एजुकेटर्स, वैरायटी ऑफ टॉप एजुकेटर्स से पढ़ना है, आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन चाहिए, आपको ज्यादा पर्सनलाइज गाइडेंस अप्रोच चाहिए, तो क्या करना है, यू कैन ज्वाइन द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। नाउ व्हाट इज दैट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन? इट्स लाइक जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होता है, एक बार सब्सक्रिप्शन ले लो, फिर जितनी मर्जी मूवीज देखो, जो मर्जी देखो, राइट। वैसे अगर आपने जेई का सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो 55 से ज्यादा टॉप एजुकेटर्स उस पर लाइव पढ़ा रहे हैं, 60-70 से ज्यादा कोर्सेज रन कर रहे हैं, जो 11th के भी हैं, 12th के भी हैं, ड्रॉपर के भी हैं, कुछ थ्योरी के कोर्स हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के हैं, राइट। तो वो आप सारे के सारे देख सकते हो, यू कैन साइमल्टेनियसली अटेंड, मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर बैच में आपको डाल दिया जाएगा, कुछ भी देखना है वो देखो, आप 11th के, आप 12th के भी कोर्स देख सकते हो, ड्रॉपर के भी देख सकते हो। तो लाइव प्लस क्लासेस आपको मिलती हैं, टेस्ट सीरीज, जेई मेन, जेई एडवांस, 11, 12, ड्रॉपर तीनों के लिए, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, मच मोर पर्सनलाइज। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में यू क्लिक अ फोटो ऑफ योर डाउट, अपलोड कर दो क्लास में, यस, लाइव क्लास में, आई विल क्लिक ऑन दैट क्वेश्चन, वो स्क्रीन पे आ जाएगा और क्लास में डिस्कस हो जाएगा। तो दैट इज हाउ एफिशिएंट एंड हाउ अमेजिंग दिस डाउट क्लैरिफिकेशन सिस्टम इज, राइट। तो ये हमारे ऐसे कुछ प्लस पे कोर्सेज हैं। नमो सर का आपको ऐसे एक सिग्नेचर कोर्स है, राइट, मेरा, जयंत सर का, समीर सर का, हमारे बैच कोर्सेज हैं जो 1 ईयर लॉन्ग बैच कोर्स है, ठीक है। तो ये आपको काफी हेल्प करेंगे, तो ये एनरोल इनमें कर लेना, राइट। और बाकी अगर ना बच्चों, मोबाइल वालों के लिए जो डेस्कटॉप वाले हैं, जस्ट गो टू द unacademy.com/plus, और जो मोबाइल वाले हैं, जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। उसके बाद जो आपकी प्रोफाइल पे, यहां पे प्लस पे क्लिक करना है आपको, प्लस पे क्लिक करने के बाद चूज अ गोल IIT JEE, और अगर आप मेडिकल के हो तो एम्स एंड नीट, एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन। 1 मंथ से लेकर 2 ईयर तक का सब्सक्रिप्शन है। एक्चुअली द रेट्स, द प्राइसेस जो है वो रिवाइज हो चुके हैं, तो रिवाइज प्राइसेस आपको लेटेस्ट समय मिल जाएंगे, ठीक है। बट जो भी सब्सक्रिप्शन आपने लेनी है, डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड JEE Live, बिकॉज दैट विल गिव यू 10% डिस्काउंट, येस। क्योंकि जब भी कोई बच्चा ज्वाइन करता है, सबसे बड़ा उनका कंसर्न ये होता है, सर मैंने थोड़े दिन पहले ज्वाइन कर लिया होता तो बेटर था, बिकॉज इट्स सो अमेजिंग, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म के घर पे बैठे बेस्ट एजुकेटर्स लाइव सेशंस, अगर कभी मिस हो गया उसका रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो, DPP आपको मिल रही है, टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिल रहे हैं, तो और क्या चाहिए? अगर आपको सीरियसली बहुत अच्छे से तैयारी करनी है तो और चाहिए क्या? कुछ नहीं। तो आज नहीं कल आप सोचोगे कि सर मैंने पहले लिया होता तो बेटर था, तो जितनी जल्दी लोगे उतना बेटर है, उतना आपका ज्यादा टाइम रहेगा अच्छे से प्रिपेयर करने का,
ठीक है। तो ये कोड बेटा भूलना नहीं है, जेई लाइव। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सिंपलेस्ट से लेके अच्छे लेवल तक वाली प्रॉब्लम्स तक धीरे धीरे चलेंगे एक एक करके। तो आप भी सारे के सारे अपनी नोटबुक्स, रफ नोटबुक्स निकाल लो, क्योंकि मैं ही सॉल्व नहीं करूंगा, साथ में आप भी करोगे, राइट। चलिए तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहां पे वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो क्लोरोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग एनिलीन विद, आई एम गिविंग यू 30 seconds। हर एक क्वेश्चन को हम 30 seconds से ज्यादा का टाइम नहीं देंगे। यस, स्पीड फास्ट, 30 seconds में आपको करना है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक जो आपका सही ऑप्शन आएगा वो तो आंसर निकालना जरूरी है, बट बाकी के तीनों ऑप्शंस को गलत प्रूव करना भी जरूरी है। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो आप ज्यादा श्योर होते हो कि यस, मैंने जो आंसर निकाला वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने बाकी के तीन ऑप्शंस को गलत प्रूव कर दिया हुआ है। चलिए तो 30 सेकंड से ज्यादा हो गए हमारे पास। देखिए, क्लोरोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग एनिलीन विद। तो बच्चों, अगर आप एनिलीन को HCl के साथ ट्रीट कर भी दोगे तो क्या हो जाएगा, ये बेस है, ये एसिड है, एनिलीनियम क्लोराइड बन जाएगा, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, नथिंग एल्स। यहां बन जाएगा NH3 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। इसको क्यूप्रस क्लोराइड से ट्रीट करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, राइट। देन क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो इसको अगर आप Cl2 AlCl3 के साथ करोगे तो वो एक्चुअली क्लोरीनेशन हो सकता है, क्योंकि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, पर प्रॉब्लम इसके साथ फिर से ही हो जाएगी, क्लोरीनेशन तो होनी है बेंजीन रिंग पे, एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये, ठीक है। इवन मल्टीपल क्लोरीनेशन हो जाएंगी क्योंकि बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप है, पर ये जो AlCl3 आपने ले लिया लुइस एसिड, ये बेस है, ये एसिड बेस आपस में कॉम्प्लेक्स बना देंगे, ठीक है, पर क्लोरोबेंजीन नहीं बनने वाला। हाँ, अगर ये क्लोरीन लगेगी तो ये ऑर्थो पैरा पोजिशन में लग जाएगी, बट NH2 को रिप्लेस नहीं करेगी। डी वाले में क्या होगा, नाइट्रस एसिड। तो इसको अगर आप HNO2 से ट्रीट करते हैं 0 to 5 degrees Celsius टेम्परेचर पे, तो ये बनता है डायजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, देन क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 से ट्रीट किया, तब जाके आपको मिलता है क्लोरोबेंजीन, सिंपल। तो यस, आप बोलेंगे सर हमें पता है सर, डी ऑप्शन आंसर है इसका, बहुत सिंपल है, पर चलिए ये भी देख लिया हमने कि बाकी के तीन ऑप्शन में क्या बनेगा और क्यों बनेगा और क्यों नहीं बनेगा, ठीक है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट वन, द रिएक्शन ऑफ टॉलुइन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड गिव्स प्रीडोमिनेंटली, क्या बनेगा यहां पे। चलिए जल्दी से, 30 seconds का समय आपके पास है। तो चलिए, तो आई थिंक हो गया, ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इससे टाइम की जरूरत नहीं है। देखिए, द रिएक्शन ऑफ टॉलुइन विद क्लोरीन, तो टॉलुइन में क्योंकि ये CH3 डोनेटिंग ग्रुप है, तो बेंजीन को ही एक्टिवेट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, और आप क्लोरीन इन प्लेस ऑफ फेरिक क्लोराइड FeCl3 करवा रहे हो, तो दैट इज बेसिकली क्या होगा। हाँ, अगर आप क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करवाते तो ये फ्री रेडिकल अटैक होता, पर यदि आप लुइस एसिड की प्रेजेंस में करवा रहे हो तो दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो एक ऑर्थो क्लोरो और एक बार पैरा क्लोरो टॉलुइन आपको मिल जाएगा, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसकी जगह पे अगर आप क्लोरीन के साथ हीट करते या Cl2H3 करते तो ये बेंजाइलिक पोजीशन पे अटैक होता, तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होता और ये CH2Cl इस तरह से बनता, ठीक है, एक बार और क्लोरीन होती तो CHCl2 और CCl3 इस तरह से बन सकता था। तो ये क्या बना, ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो टॉलुइन, बिकॉज CH3 जो होता है बेटा ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। नेक्स्ट वन, द रिएक्शन कंडीशंस लीडिंग टू द बेस्ट यील्ड्स ऑफ C2H5Cl आर। चलिए,
30 सेकंड फॉर दिस, ये क्वेश्चन तो बच्चों को याद ही होता है डायरेक्टली। तो एट द एंड ऑफ दिस सेशन सबसे मजे वाली बात क्या होगी कि आपको एक एक जो आपका टारगेट होता है ना कि हर चैप्टर का मेरे को प्रीवियस ईयर आईआईटी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, वो काफी हद तक आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि सारे सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम आज नहीं डिस्कस कर पाएंगे, बट फिर भी विल ट्राई कि जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकें आज हम कंप्लीट कर लें, ठीक है। फिर आपके पास टारगेट क्या बचता है, क्या आप एनसीईआरटी अपना कंप्लीट करो और साथ में एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कंप्लीट करो, और बाकी जो आपको कोई बुक सॉल्व करनी है, कोई स्टडी मटेरियल सॉल्व करना है, वो आप सॉल्व करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, देखो द रिएक्शन कंडीशंस लीडिंग टू द बेस्ट यील्ड ऑफ C2H5Cl। देखिए जब C2H6 आप एक्सेस में ले रहे हो, है ना, मतलब इथेन आपने लिया और साथ में क्लोरीन, तो एक चीज का याद रखना, जब क्लोरीन आप एक्सेस में लेते हो तो बेटा इतनी क्लोरीनेशन होती है कि ये उसको पूरा क्लोरीनेट कर देता है, सारे के सारे हाइड्रोजन को ये हेलोजन से रिप्लेस कर देता है। तो अगर आप हेलोजन को एक्सेस में लेंगे तो सारे हाइड्रोजन की जगह क्या लग जाएगा, क्लोरीन, तो ये बन जाएगा CCl3, सिंगल बॉन्ड CCl3, ठीक है। बट हाँ, अगर आप इसको एक्सेस में लेते हो, ठीक है, देन एक ही बार क्लोरीनेशन होगी, तो ये CH3CH2Cl, यस। तो जब आप अल्केन को एक्सेस में लेते हो तो आपके पास मोनो हेलोजिनेशन होती है, और जब आप क्लोरीन को या हेलोजन को एक्सेस में लेते हो तो आपके पास पॉली हेलोजिनेशन होती है। तो यस, आपको मोनो हेलोजिनेशन चाहिए थी, C2H5Cl बनाना था, तो यस ये आपको एक्सेस में चाहिए क्लोरीन के साथ और यूवी लाइट। यहां पर इन्होंने मेंशन नहीं किया कि कौन एक्सेस में है, तो क्या होगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, मोनो हेलोजिनेशन भी होगी, डाई भी होगी, ट्राई भी होगी, टेट्रा भी होगी, तो मिक्सचर मिलेगा आपको। यहां पर यूवी लाइट में क्लोरीन एक्सेस में लिया हुआ है, तो पहला वाला आपका पॉली हेलोजिनेशन, यहां पर भी काइंड ऑफ मिक्सचर। अब देखो ये डार्क लिया और यहां पर कुछ भी नहीं होने वाला, एक्चुअली यहां पर कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डार्क है ये, इसको सनलाइट में होता प्रेजेंस, तो यहां पर तो नो रिएक्शन, इट रिक्वायर्स सनलाइट फॉर द रिएक्शन, तो बेटा यूवी लाइट में ही ये हो पाएगा, सनलाइट में। द नेक्स्ट वन एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, चलो भाई 30 सेकंड दूंगा आपको मैं, और आपको लेक्चर समझ आ रहा हो, मजा आ रहा हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है अन अकेडमी जेई का, दैट इज के हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दें, ठीक है, चाहे आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं या आप कोचिंग लेने वाले भी हो, ड्रॉपर भी हो, जो मर्जी बच्चा हो, बट हर एक बच्चे को बेसिक लेवल से लेके स्टार्ट करके उसको अपना कॉम्पिटिटिव लेवल तक लेके जाएं, और ये जितना बेटा शेयर करेंगे उतना ही जरूरतमंद बच्चों तक ये चीज पहुंचेगी, और उन तक जब पहुंचेगी तो दैट इज द मेन थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है कि जो क्वालिटी एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर पा रहे, जहां पर भी ये फैसिलिटीज नहीं है, उन बच्चों तक ये चीज पहुंचे, ठीक है। चलिए, तो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक केएच क्या करता है, एलिमिनेशन, तो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड इज व्हाट, ये, तो इसको आप अल्कोहलिक केएच से ट्रीट करोगे तो दैट विल गिव यू एलिमिनेशन, एचबीआर निकल जाएगा, तो एचबीआर निकलेगा दैट इज प्रोपीन, सिंपल। तो अल्कोहलिक केएच की जगह अगर आप एक्वस केएच यूज करते तो फिर सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, तो फिर एसएनटू रिएक्शन होता और बीआर हटके ओएच लगता, तो प्रोपेनोल तब बन सकता था अगर एक्वस केओएच यूज किया होता। देन नेक्स्ट वन द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल, चलिए चलिए ये भी आपको सॉल्व ही करना है, हाँ इसको मैं एक मिनट दे सकता हूं, यस ठीक है, वन मिनट फॉर दिस क्वेश्चन, तो देखते हैं आप लोग कितनी जल्दी सॉल्व करते हो। तो फाइंड आउट क्या करना है यहां पे, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल एंड कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स ऑफ अ ब्रोमो कंपाउंड C5H9Br। तो आई थिंक हो गया, चलिए देखो, तो C5H9Br
formed by the addition of HBr to 2 pentyne respectively. देखिए, तो पहले 2 pentyne में HBr add करते हैं. तो that is CH3, C triple bond, C, CH2, CH3. बेटा, इसमें जब हमने HBr addition किया, तो क्या क्या बन सकता है? यहाँ पर H लग गया, वहाँ पर Br, और यहाँ पर Br, और वहाँ पर H. दोनों possibilities हैं, ठीक है? तो एक आपके पास आ जाएगा CH3, CH double bond, Br, CH2, CH3, और दूसरा आ जाएगा आपके पास CH3, CBr, ये दो आ गए, ठीक है? अब बोला है नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल एंड कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स ऑफ अ ब्रोमो कंपाउंड. ये आपका आ गया ब्रोमो कंपाउंड. तो इसके स्ट्रक्चरल कितने हैं और इसके कॉन्फ़िगरेशनल कितने हैं, ठीक है भाई? तो इस फॉर्मूला के लिए कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं? दो बन जा रहे हैं ना, ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर तो बन गए, क्योंकि यहां पर ये 3 ब्रोमो है, यहां पर ये 2 ब्रोमो है. यस, तो ये दो आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर तो हो गए. अब इसने पूछा कॉन्फ़िगरेशनल. कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ जाता है? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर में आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ जाते हैं, ठीक है? यस, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, ठीक है? तो यहां पर डबल बॉन्ड में क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ सकते हैं इसके? सीरियसली चेक करो. तो यहां पर कार्बन के साथ एक एच और एक CH3, इस पे एक Br और एक इथाइल. तो यस, ये आपका सिस ट्रांस देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा. इसका एक सिस बन जाएगा, एक ट्रांस बन जाएगा, मतलब EZ, ठीक है? तो इसमें आप एक EZ आइसोमर्स, इस वाले में भी EZ आइसोमर, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर CH3 और Br दो डिफरेंट है, इस पे भी H और इथाइल दो डिफरेंट है. तो बेटा दो इसके बनेंगे 4. तो टोटल अगर आपके कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर आगे, वो आगे 4, ठीक है? कायरल सेंटर जैसा यहां पर कुछ है नहीं. तो स्ट्रक्चरल 2 है और कॉन्फ़िगरेशनल 4 है. तो आंसर इज 2 and 4. नेक्स्ट वन, 1 क्लोरोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक पोटाश गिव्स. 30 seconds फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? चलिए स्टार्ट किया जाए. तो 1 क्लोरोब्यूटेन क्या करेगा? एक क्लोरोब्यूटेन, आई थिंक 30 seconds काफी है इसके लिए. चलिए देखो, 1 क्लोरोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक पोटाश, अल्कोहलिक KOH क्या करता है? एलिमिनेशन. Cl जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, 1 ब्यूटेन, सिंपल, और कोई ऑप्शन था नहीं. नेक्स्ट वन, द चीफ रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एन ब्यूटेन एंड ब्रोमीन एट 130 डिग्री सेल्सियस. अगेन 30 seconds फॉर दिस वन. सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, डन. चलिए, तो चीफ रिएक्शन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट की बात हो रही है, एन ब्यूटेन और ब्रोमीन प्लस ब्रोमीन और 130 डिग्री सेल्सियस, मतलब हीट किया. बेटा ऑब्वियस बात है, ये अल्केन है, डबल बॉन्ड तो यहां पर कोई है नहीं कि डबल बॉन्ड के क्रॉस आप ब्रोमीन ऐड करोगे. तो ब्रोमीन के साथ जब हीट करते हैं तो वो क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है, ठीक है? तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, H हटेगा, ब्रोमीन उसकी जगह लगेगा ना. अब होगा क्या, यहां पर ये CH3 है, CH2 CH2 CH3, 1 डिग्री हाइड्रोजन भी है और 2 डिग्री हाइड्रोजन भी है. तो ब्रोमीन 1 डिग्री पे लगेगा मेजर या फिर 2 डिग्री पे लगेगा? तो आपने रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, क्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, जो कि ब्रोमीन बड़ा सेलेक्टिव है. ब्रोमीन ढूंढता है क्या 3 डिग्री हाइड्रोजन है, नहीं है. चलो 2 डिग्री है, नहीं है, तो जाके 1 डिग्री पे अटैक करेगा. तो उसकी प्रायोरिटी होती है 3 डिग्री हाइड्रोजन पे अटैक करना, वो नहीं मिला तो 2 डिग्री, वो नहीं मिला तो 1 डिग्री, वो सेलेक्टिव है, राइट? तो यहां पर क्योंकि 2 डिग्री हाइड्रोजन है और ये दोनों सिमेट्रिकल है, तो इन दोनों में से किसी भी एक पोजिशन पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा. तो ये आ गया आपका मेजर
प्रोडक्ट। अब ऐसा नहीं कि वन पोजिशन में नहीं लगेगा, मतलब प्राइमरी पे नहीं लगेगा, ये वाला भी बनेगा, बट दैट विल बी माइनर बिकॉज ब्रोमीन इज सेलेक्टिव इन नेचर। अगर आपने क्लोरीनेशन करवाई होती तो क्लोरीनेशन में क्या होता है, काफी बराबर बराबर अमाउंट बन जाता है, क्योंकि वन डिग्री हाइड्रोजन 6 है और 2 डिग्री 4 है। ओके तो आंसर क्या आ रहा है बच्चों यहां पे हमारे पास, CH3CHS बी ऑप्शन। पहला वाला क्यों नहीं, क्योंकि उसमें माइनर दिया हुआ वाला। यहां पर दो वाले ब्रोमीन तो अटैच होगा नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड तो कोई नहीं है। यहां पर एक ही कार्बन के ऊपर दो ब्रोमीन, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट वन, आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद ड्राई इथर एंड इथाइल अल्कोहल गिव्स, करिए। तो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आसान लग रहे होंगे, 1995 का, मतलब काफी पुराने क्वेश्चन है। तो क्या होगा, हो गया? चलो देखो, आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल इज आ गया आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको आप ड्राई इथर और इथेनॉल से ट्रीट कर रहे हो, तो इथेनॉल इज CH3CH2OH। बेटा अल्कोहल में ये जो H है ये स्लाइटली एसिडिक है, स्लाइटली, पर ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इट इज स्ट्रांगली बेसिक। जहां पर भी उसको एसिडिक हाइड्रोजन दिख जाए OH वाला, ये वहां से क्या करता है, वहां से H उठा के अल्केन बना देता है, तो ये CH3 बन जाएगा यहां पे सिंपल। टू मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, ये प्लस MgBr OET, तो ये बन जाएगा सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, CH3 थ्राइस CMgCl ऑन रिएक्शन विद D2O प्रोड्यूसेस। चलो अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं, ठीक है, आप भी सॉल्व करो मैं भी सॉल्व करता हूं। तो CH3 थ्राइस CMgCl का D2O से, तो D2O इज जस्ट लाइक वाटर, वहां पर H की जगह आपने D लगा दिया है, तो ये जो R नेगेटिव है दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो R नेगेटिव अटैक करेगा D पे, है ना, जैसे H निकालता था ना वाटर से, H पॉजिटिव उठा लेता था, D2O से D पॉजिटिव उठा लेगा ये, तो ये CH3 थ्राइस CD यहां पर लग जाएगा, D प्लस MgCl OD सिंपल। CH3 थ्राइस CD, बस ये बन गया CD3, ये तो नहीं होगा, तो ये हो गया सिंपल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट वन, अ सॉल्यूशन ऑफ प्लस 2-chloro-2-phenyl-ethane इन टॉलविन रेसेमाइजेस स्लोली इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ SbCl5 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, 30 seconds, क्योंकि ऐसा भी नहीं होगा मैं इतना फास्ट हो जाऊं कि आप लोगों को ही सॉल्व करने का मौका ना मिले। तो चलिए काफी हो गया, रेसेमाइजेस, ठीक है, 2-chloro-2-phenyl-ethane, ओके, 2-chloro-2-phenyl, ठीक है, और ये वाला जो कार्बन है ऑब्वियस बात है 4 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा ही होगा, तो इसको जब आप टॉलविन से ट्रीट करते हो, इन टॉलविन, तो टॉलविन यहां पे एज अ सॉल्वेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ SbCl5, तो होगा क्या बेटा, SbCl5 की प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा, SbCl6 नेगेटिव, और ये बन जाएगा कार्बोकेटायन, तो दिस विल फॉर्म CH3CH PH पॉजिटिव कार्बोकेटायन प्लस SbCl6 1 नेगेटिव। अब कार्बोकेटायन पे फिर से ये
क्लोरीन ले लेगा वापस, ठीक है, वापस से क्लोरीन अगर अटैक करेगा तो अब ये क्लोरीन इस कार्बोकैटायन पे ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, बिकॉज कार्बोकैटायन प्लेनर होता है, एक प्लेन में होता है, ठीक है। तो कार्बोकैटायन जब एक प्लेन में होगा तो क्लोराइड अब ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है। तो डेफिनेटली इसी वजह से ये क्या कर रहा है, ये अपना रेसिमिक मिक्सचर बना रहा है, क्यों, कार्बोकैटायन की वजह से। तो आंसर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ रिएजेंट और रिएक्शन कंडीशंस एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। तो कर क्या रहे हैं हम, यहां पर टर्मिनल कार्बन पे ब्रोमीन थी, उसको हम मिडल वाले कार्बन पे ला रहे हैं, तो ब्रोमीन को ऐसे स्विच करने का तो कोई तरीका नहीं है। हाँ, HBr निकाल के डबल बॉन्ड लाओ, डबल बॉन्ड पे फिर से HBr ऐड करो, और वो क्या होगा, मार्कोनिक ऑफ एडिशन करो, तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन से नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो पहला तो आपने यहां पर माइनस HBr करना है, और अगले बारे में आपको प्लस HBr करना है, और HBr कैसे ऐड करना है, मार्कोनिक ऑफ कंडीशन में, ठीक है, मतलब कोई परऑक्साइड नहीं लेना वहां पे। तो X आ जाएगा डाइल्यूट एक्वस NaOH, बेटा एक्वस NaOH तो सब्स्टिट्यूशन करवाता है, ये तो Br हटा के OH लगा देगा, तो ये ऑप्शन आउट। कंसंट्रेटेड अल्कोहलिक NaOH, यस अल्कोहलिक OH नेगेटिव क्या होता है, एलिमिनेशन करता है। और Y क्या है, HBr एसिटिक एसिड, ठीक है, HBr आपने स्लाइटली एसिडिक मीडियम में लिया। थर्ड डायल्यूट एक्वस, एक्वस तो बिल्कुल नहीं लेना है, कंसंट्रेटेड है वाई Br2CHCl3, तो बेटा Br2 नहीं ऐड करना है, तो दो ब्रोमीन ऐड हो जाएंगे, HBr ऐड करना है, तो आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, तो हम चलते चलते अब 2003 तक आ चुके हैं, ठीक है। देखिए, हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ एफ आर पॉसिबल अगर ये आपके पास रिएक्शन है, एक मिनट इसमें मैं पूरा दूंगा आपको, ठीक है, आराम से करो, जल्दी से, ओके, दैट वॉज कंफ्यूजिंग, आराम से, जल्दी से, जल्दी से करो तो बेटर है, ठीक है, आराम तो काफी कर लिया है, अभी 3 महीने बचे हैं, तो अभी आराम करने का टाइम तो नहीं है। तो क्या होगा, हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स फॉर एफ आर पॉसिबल, चलो यार सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, मैं बोर हो जाता हूं ऐसे क्वेश्चन को, मतलब ऐसे टाइमर को देखना इतना बोरिंग लगता है। देखिए, पहली बात, यहां पे एच पॉजिटिव अटैक करके वाटर निकाल दिया, तो एफ जो बना आपका दैट इज डेफिनेटली कार्बोकैटायन, ठीक है। देन सॉरी, एफ आपका कार्बोकैटायन नहीं, मतलब H2O निकला, पहले OH2 पॉजिटिव बन के बाहर निकला, फिर यहां से एच पॉजिटिव निकल के यहां पर डबल बॉन्ड आया, या उधर भी आ सकता है, दो चीजें हैं। तो हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ एफ, तो अगर आपको डिहाइड्रेशन करनी है तो चलो देखो, अगर यहां पर डिहाइड्रेशन करनी है ना, जैसे यहां पर पहले मैं एच पॉजिटिव का अटैक करवाऊंगा और फाइनली फिर एच टू निकालेंगे, तो OH, और यहां से एच जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, ये भी हो सकता है, या इस साथ वाले से एच जाए और यहां डबल बॉन्ड आए, डेफिनेटली वो माइनर होगा, पर बन तो सकता है ना, जब पॉसिबल प्रोडक्ट वाला पूछा है बात, तो एक ये बन सकता है प्लस एक ये बन सकता है, तो दिस विल बी मेजर एंड दिस विल बी माइनर, ठीक है। और अब ये बोल रहा है कि ये जो एफ है इस पे ब्रोमीन का अटैक करवाते हो तो टोटल 5 प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है। देखो, अगर यहां पर हम ब्रोमीन का अटैक इस पे करवाएंगे तो ये आपके पास क्या देगा, एक ब्रोमीन यहां पे आ रही है, एक ब्रोमीन यहां पे आ रही है, क्या ये आपको ज्योमेट्रिक आइसोमर दे सकता है, जस्ट टेल मी, विल दिस बी एबल टू गिव यू ज्योमेट्रिक आइसोमर, नहीं दे पाएगा, ठीक है, क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे है, ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक आइसोमर नहीं दे पाएगा, जस्ट आपको ये ब्रोमीन, आपको इस तरह से ब्रोमीन आपने अटैच करवा दिया, अब ये वाला कार्बन काइरल है, तो काइरल है तो एक पेयर ऑफ एनेंशियमर्स आपको बन जाएगा यहां पे, ठीक है, तो ये वाला यू गेट अ पेयर ऑफ एनेंशियमर्स,
ये ऑलरेडी आपका एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, कैसी वाली है ये? दिस इज जिस हिसाब से दिया हो उस हिसाब से तो ये ट्रांस है, ठीक है? ट्रांस में आप ब्रोमीन ऐड कर रहे हो, बेटा ब्रोमीन की एडिशन कैसी होती है बताइए जरा, ब्रोमीन की एडिशन होगी तो कैसी होगी ट्रांस में? या अच्छा पर एक बात भी नहीं है, आई एम नॉट नॉट वेरी श्योर के ये आपका ट्रांस हो पाएगा। पांच टोटल बनाने हैं, चलो ठीक है। अगर इसको ट्रांस लेते हैं हम तो ट्रांस में ब्रोमीन लगेगा, ब्रोमीन भी एंटी एडिशन होती है, तो बेटा एंटी और एंटी मिलकर ऑलरेडी ये एंटी में है, ट्रांस में है और उसमें एंटी एडिशन, तो क्या बनेगा मीजो? तो अगर ये हुआ आपका ट्रांस और ट्रांस में हमने ब्रोमीन एडिशन करवाई तो आपको मिल जाएगा मीजो, ठीक है? और अगर ये वाला हो आपका सिस इस तरह से और उस पर आपने ब्रोमीन की एडिशन करवाई तो सिस में एंटी एडिशन करवाने से क्या होता है? That gives you a pair of enantiomers. ठीक है, तो ट्रांस में आपने ब्रोमीन ऐड किया, दैट गिव्स यू मिजो, और उसके बाद सिस में अगर आपने ट्रांस एडिशन करवाई है, एंटी एडिशन करवाई, दैट गिव्स यू अ पेयर ऑफ इनेंशियमस, राइट? दैट इज करेक्ट। तो वन ब्रोमीन लाइक दिस, वन ब्रोमीन, वन सेकेंड, एक तरह जरा करके देख लेते हैं इसको। यस, इनेंशियोमर आएगा यहां पे, तो दो तीन चार पांच, टोटल पांच तभी बन सकते हैं। तो एफ के कितने, हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स फॉर एफ आर पॉसिबल? सिस बन सकता है, ट्रांस बन सकता है और ये वाला बन सकता है, तो टोटल आपके पास आ गए तीन, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट वन, What would be the product form when 1-bromo-3-chlorocyclobutane reacts with 2 equivalents of metallic sodium in ether? तो इस केस में क्या होगा, चलिए जल्दी से 30 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन। ओके डन, चलो ठीक है 30 सेकंड कौन लेता है इस क्वेश्चन के लिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो हर बुक में सॉल्व किया हुआ। देखो तो 1-bromo-3-chlorocyclobutane, यहां ब्रोमो ले लो, यहां पे क्लोरो ले लो, इसको सोडियम या मेटालिक सोडियम एंड ईथर में किया, दैट इज वुड्स रिएक्शन, ठीक है? तो यहां से ब्रोमिन अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके NaBr बना के निकलेगा, यहां से क्लोरिन अपने इलेक्ट्रॉन लेके NaBr बना के निकलेगा, एंड यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और ये दोनों मिलके बना देंगे बॉन्ड, दैट इज ये, ठीक है? सोडियम के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ब्रोमीन यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो ये NaBr, वैसे एक और सोडियम यहां पर होगा, तो ये क्लोरिन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, ये NaCl, यहां एक इलेक्ट्रॉन रह गया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रह गया, इस तरह से ये आ गया आपका एंड प्रोडक्ट। Now next one, when phenyl magnesium bromide reacts with tert butanol, the product would be? चलो आप भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूं। Phenyl magnesium bromide, PHMGBr reacts with tert butanol, ठीक है? The product would be, देखो RMGX में R एक स्ट्रॉन्ग बेस है और उसको कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाए तो वो उठा लेता है वहां से, तो ये पीएच नेगेटिव यहां से एच उठाएगा और सिंपल बन जाएगा आपका बेंजीन, दैट्स ऑल, सिंपल, ठीक है? देन नेक्स्ट वन, द रिएजेंट और द रिएजेंट्स फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज आर, कौन कौन से रिएजेंट ये कर सकते हैं? तो देखो 1,2-dibromo इथेन है ये, इसे आपको इथाइन बनानी है, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, तो मतलब दो बार HBr आपको निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात है, दो बार HBr निकालना है, तो बेटा एक बार HBr तो आप अल्कोहलिक केवच से निकाल लेते हो, जब आपको दो बार HBr निकालना होता है ना
डबल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करनी है तो पहले आपको अल्कोहलिक केवच, फिर फॉलोड बाय और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज NaNH2 लेना पड़ता है। तो पहले अल्कोहलिक केवच आएगा, अगले स्टेप में आएगा NaNH2। सिंपल। देन नेक्स्ट वन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, चलिए 2008 का क्वेश्चन है, काफी रिसेंट है, इसके लिए 30 सेकंड लगा लेते हैं। चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस कि यहां पर क्या हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, द रीजन आर वेरी वेरी ऑब्वियस कि कौन सा रिएक्शन यहां पर होना चाहिए। तो 30 सेकेंड्स डन। देखो अब यहां पे पहली बात हम कर क्या रहे हैं, Br हटा के SPH हम लगा रहे हैं, मतलब दैट्स अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने एरोमेटिक रिंग पे नहीं किया, बेंजीन पे कुछ नहीं छेड़ा हमने, उसके बाहर जो अल्काइल पार्ट था उसके ऊपर किया हमने, तो इट्स नॉट एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, ये एलिफेटिक ही है। तो बेटा या तो ये होगा SN1 से या होगा ये SN2 से। अब हमें ये फैक्टर्स कंपेयर करने हैं कि ये फैक्टर्स SN1 को ज्यादा सपोर्ट करते हैं या SN2 को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। देखो ये जो पोजीशन है यहां पर ब्रोमीन, अगर आप निकालोगे तो कार्बोकैटायन जो बनेगा वो भी ठीक बन जाएगा, बेंजाइल है, बट बेंजाइल के साथ ये जो बेंजीन पे ग्रुप लगे हैं ये विड्रॉइंग है फ्लोरिन और नाइट्रो, तो ये तो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज नहीं करेंगे, तो ये विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस इंडिकेट करती है कि कार्बोकैटायन मैकेनिज्म होने के चांसेस थोड़े से कम है। ठीक है, थोड़ा सा हिंट इन्होंने किया। फिर दूसरी बात, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है PHS नेगेटिव, सल्फर एक अच्छा बेस, सॉरी सल्फर इज अ मोर पोलराइजेबल, है ना, बेस उतना अच्छा नहीं होता, न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अच्छा है, तो इससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, तो जब हाई पोलराइजेबिलिटी वाला न्यूक्लियोफाइल हो तो SN2 के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है। तो ये PHS नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग पोलराइजेबल न्यूक्लियोफाइल। ऊपर से सॉल्वेंट देख लो, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड DMF, DMF इज अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट वैसे SN2 को सपोर्ट करता है, तो ये विड्रॉइंग ग्रुप, ये पोलराइजेबल न्यूक्लियोफाइल, देन एप्रोटिक सॉल्वेंट, सारी चीजें SN2 को सपोर्ट कर रही हैं, तो दैट विल बी SN2 रिएक्शन। तो SN2 में क्या, Br हटेगा, बैक साइड अटैक होगा और SPH लग जाएगा। सिंपल, ए ऑप्शन, कंप्लीट इन्वर्जन, दैट इज वॉल्डन इन्वर्जन। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो इसके लिए आपको मैं देता हूं एक मिनट का समय। चलिए सॉल्व, क्योंकि एक मिनट क्यों, एक्चुअली एक मिनट लाइक नहीं है ये क्वेश्चन, बट क्योंकि थोड़ा सा बड़ा बड़ा से स्ट्रक्चर दिए तो थोड़ा बच्चे को एक बार डर लग जाता है क्या हो रहा है ये, पहले तो मतलब 10-15 सेकंड तो ये क्या हुआ, क्या कर क्या रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो लो टेक योर टाइम, ओके। तो आई थिंक दैट इज डन। जिन्होंने वैसे कि अमीन्स चैप्टर पढ़ा हुआ है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन वालों को डेफिनेटली ये याद होगा कि कुछ कुछ वहां पर आपने इस तरह की चीजें पढ़ी होंगी। देखो ये जो नाइट्रोजन के साथ H है ये एसिडिक है, क्यों, ये जो OH नेगेटिव है ये एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, ये इस H पॉजिटिव को निकालेगा तो क्या होगा, यहां N पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा, एक तो वो कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, इस ऑक्सीजन के साथ भी, इस ऑक्सीजन के साथ भी कॉन्जुगेशन में, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन एसिडिक था, फाइन। तो ये एन नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अब इस पे अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, बेटा इस पे ये वाला जो ब्रोमीन है ये डायरेक्टली बेंजीन पे लगा हुआ है, तो बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली हेलोजन अटैच होता है उसको रिमूव करना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस है, ठीक है, पर ये जो CH2Cl है इस Cl को बाहर निकालना कंपैरेटिवली आसान है, तो ये जब N नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो
तो ये यहाँ पे करेगा और सीएल को बाहर करेगा, तो ब्रोमीन एज इट इज रहेगा और ये सी एच टू के आगे ये वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा। बस इतनी सी कहानी थी। तो ये जितना बड़ा तामझाम पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है वो आपको डराने के लिए था। मामला सिर्फ इतना था, पहला एसिड बेस रिएक्शन हुआ, उसमें जो आपका कॉन्जुगेट जनरेट हुआ दैट्स अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वो दूसरे के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा रहा है, राइट। नेक्स्ट वन 2013 का है, के आई इन एसिटोन अंडरगोज एसन टू रिएक्शन विद ईच ऑफ द पी क्यू आर एंड एस, द रेट्स ऑफ द रिएक्शन वेरी एज, ये मैंने ये भी क्लास में आपके डिस्कस हो चुका है। आई थिंक ये सारे सारे क्वेश्चन जो हैं उनसे रिलेटेड थ्योरी, उनसे रिलेटेड कोई और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस तो किए हुए हैं, बट आज की क्लास का बेनिफिट ये है कि हम सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं वन शॉट में, ये सारे सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि चलो यार ये वाला भी कर लिया, प्रीवियस ईयर आईटी करना था ना, कर लिया डिस्कस, अब हम किसी दूसरी चीज के ऊपर ध्यान देते हैं, है ना, कोई बुक सॉल्व करते हैं, कोई स्टडी मटेरियल सॉल्व करते हैं, लाइक दैट। तो एसन टू रिएक्शन, चलो तो क्या करें, डायरेक्टली 30 सेकंड हो गए, चलो सॉल्व करते हैं। देखो ये मिथाइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री है और ये अलाइल है, तो अलाइल इज बेटर देन 2 डिग्री, क्योंकि इसका जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, जब इसका एसन टू रिएक्शन आप करेंगे तो ये इसके जो पाई बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स हैं दे स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। दूसरी बात, ये बेटा एसन टू ये एक्सीलेंट देता है अल्फा कार्बोनिल, क्या है ये, दिस इज अल्फा कार्बोनिल, क्योंकि जिस पोजिशन पे हेलोजन लगा है उसके अल्फा पोजिशन पे कार्बोनिल है, कार्बोनिल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, तो यहां पर एस एन वन तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सीएल अगर बाहर जाएगा तो जो कार्बोकैटायन बनेगा दैट विल बी एक्सट्रीमली अनस्टेबल, तो अल्फा कार्बोनिल एस एन टू बहुत अच्छा देते हैं, क्यों बेटा, जब भी विड्रॉइंग ग्रुप हो ना पड़ोस में लगा हुआ और वो भी उसके पास पाई बॉन्ड है, तो वो पाई बॉन्ड उसके ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है, एस एन टू की ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। तो अल्फा कार्बोनिल एक्सीलेंट होते हैं एसन टू में, एक्सीलेंट, यस, इवन आपके मिथाइल हैलाइड से भी बहुत ज्यादा, तो एस आ गया सबसे आगे, तो एक ही ऑप्शन थी इसमें, एस सबसे आगे है, बस उसके बाद तो ऑब्वियस ही है कि उसके बाद पी आएगा, पी के बाद आर आएगा, फिर जाके क्यू आएगा, मतलब अलाइलिक हैलाइड भी 2 डिग्री से बेटर है एसन टू रिएक्शन के लिए, राइट। नेक्स्ट वन, कंपाउंड और कंपाउंड, मोर देन वन ऑप्शन मे बी करेक्ट हियर, दैट ऑन हाइड्रोजिनेशन प्रोड्यूस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इज आर, ये तो मतलब क्या बोलता हूं मैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा, हाइड्रोजिनेशन करवा लो यार, तो हाइड्रोजिनेशन करवाने के बाद क्या हो जाएगा, जो डबल बॉन्ड है आपका सिंगल हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर आपका ये बन जाएगा CH3। तो ऐसे केस में क्या होगा, पहले वाले में तो ये कायरल सेंटर रह गया, है ना, ये कार्बन के ऊपर HBrCH3 और ये प्रोपाइल ग्रुप है, तो ये कायरल सेंटर रह गया, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, यहां पर आप H2 ऐड कर दोगे तो ये सिंगल बॉन्ड और ये CH3 हो जाएगा, इस कारण पे इधर भी इथाइल, तो दैट विल हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं ऐसे कट करूं, ब्रोमीन पीछे की तरफ है ना, ब्रोमीन पीछे है और जो H है वो आगे की तरफ है, तो मैं इसी प्लेन में कट कर दूंगा तो ब्रोमीन और H कट जाएंगे और लेफ्ट राइट सिमेट्री आ जाएगी, तो यस इसमें आ जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहां पर फिर से कायरल सेंटर आ गया तो ये एक्टिव होगा, यहां पर ये अब बी आर आ गए, एच पी से चला गया, अगेन इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री वहां पर आ गई है। तो ये 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल। नेक्स्ट 1990, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप का, अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टेड टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो अराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इतनी कम क्यों देते हैं कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड, दैट इज ड्यू टू, चलिए तो अराइल हैलाइड्स में क्या क्या होता है, जब कोई हैलोजन यहां पर है तो हैलोजन के रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन की वजह से इस बॉन्ड के पास पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, तो डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से ये वाला बॉन्ड एक्चुअली सिंगल नहीं है, सिंगल से ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, ये एक रीजन हुआ, ओके। देन एक्स को अगर मैं निकाल भी दूंगा तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो जो कार्बोकैटायन बना वो उतना स्टेबल नहीं है, तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वो काफी कम स्टेबल है, तो फॉर्मेशन ऑफ लेस स्टेबल कार्बोनियम आयन, यस,
रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन है, हाँ एक्स के लोन पे रेजोनेंस यहां पर कर रहे हैं। लॉन्गर कार्बन हेलोजन बॉन्ड, लॉन्गर नहीं शॉर्टर, छोटा रहता है ना वो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं, एक्स के इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होगा इसको, इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, क्यों, इंडक्टिव इफेक्ट तो आपका अल्काइल हैलाइड में भी था। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच टू हैलोजन, यस आपका अगर सिंपल हैलाइड लेते अल्काइल हैलाइड, ये वाला कार्बन sp3 है, ये वाला कार्बन sp2 है, तो sp2 और इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतना नहीं है, sp3 और इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी पोलैरिटी ज्यादा आएगी, पोलैरिटी ज्यादा आएगी तो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर स्ट्रांग होगा, तो उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक आराम से होगा, यहां पर वो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर उतना भी स्ट्रांग नहीं है, तो ये भी इसका आंसर है। ठीक है, रही बात रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन की, तो रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन इज नॉट द राइट आंसर, बट उसका रेजोनेंस पार्टिसिपेशन की वजह से डबल बॉन्ड करेक्टर है, नॉट कि रेजोनेंस स्टेबिलाईज है कुछ। ठीक है, सो क्या किया जाए, मैंने कुछ दिया नहीं है ना कि रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन किसका, बेंजीन का भी अपना रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन है, क्या उसकी वजह से आप आंसर दे रहे हो, नहीं तो मेंशन तो करना चाहिए ना रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन पर, किसका रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। नेक्स्ट वन, बेंजाइल क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम टॉलुइन बाय क्लोरीनेशन विद, चलो इसको भी करते हैं। देखो बेंजाइल क्लोराइड PHCH2Cl, तो क्लोरीन मतलब टॉलुइन को किससे ट्रीट किया जाए ताकि जो ये लगे CH2Cl, SO2Cl2 ना बिल्कुल भी नहीं, SOCl2 नहीं, अल्कोहल तो है नहीं, इसको आप क्लोरीन में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्लोरो में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्लोरीन यस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो मेंशन करना भूल गए, NaOCl नहीं ऐसा कुछ नहीं करेगा, तो सिंपल क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरीन के साथ आप हीट कर लो तब चलेगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन यहां पर हो जाएगी। नेक्स्ट वन, शो बाय केमिकल इक्वेशंस ओनली हाउ यू वुड प्रिपेयर द फॉलोइंग फ्रॉम द इंडिकेटेड स्टार्टिंग मटीरियल्स, स्पेसिफाई द रिएजेंट्स इन ईच स्टेप ऑफ द सिंथेसिस। चलिए भाई स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, 1 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन, और ये पर्टिकुलर सेशन आपको कैसा लगा इसकी फीडबैक आप जरूर कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर आईटी क्वेश्चन हमने कर लिए एक बार डिस्कस, उसको करने के बाद आपको आपके कॉन्फिडेंस में कितना इंप्रूवमेंट लगा, कि यस क्यों जरूरी है, कभी कभी ना बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं, अब जो आईटी में क्वेश्चन है वो है, अब वो सिंपल हो टफ हो जैसे मर्जी हो, तो सिंपल क्वेश्चन को देख के लगता है कि यार ठीक है हमारा उतना भी वो नहीं है, हमें क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि कई बार आप जब बुक्स आप सॉल्व करते हो ना उनके क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल होते हैं, या स्टार्टिंग के क्वेश्चन इतने टिपिकल मिल जाते हैं कि आपको लगता है यार हमें तो कुछ भी नहीं आता, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मैंने इतना चैप्टर अच्छे से पढ़ा ये, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था, तो एकदम से बच्चे का पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, दैट इज नॉट गुड, राइट। तो आईआईटी के क्वेश्चन करने से आपको समझ आ रही है यार ये चीज पूछी आईआईटी ने, दिस इज नॉट अ रैंडम बुक के वो क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, ये प्रॉपर आईआईटी के ही क्वेश्चंस हैं, ये अगर मेरे से सॉल्व हो जा रहे हैं इट मींस मैं कुछ तो सही कर रहा हूं, ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस आना जरूरी है, ये मत सोचना सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे ये तो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे तो इनको करके क्या फायदा, कॉन्फिडेंस, आसान क्वेश्चन करने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस आपको आगे और पढ़ने की मोटिवेशन देता है, अगर आपने बहुत खतरनाक कोई क्वेश्चन उठा लिया आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे किसी चैप्टर के, मे बी यू माइट लूज इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, और बेटा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट छूट गया तो फिर क्या फायदा, फिर उस टफ क्वेश्चन करने को फायदा क्या, जिसने आपका इंटरेस्ट ही खराब कर दिया, आपका कॉन्फिडेंस ही बिगाड़ दिया, पूरा सब्जेक्ट आपका खराब कर दिया। तो देखो कैल्शियम क्लोराइड से C2Cl2, बेटा C2Cl2 क्या है आपका, CCl3 सिंगल बॉन्ड CCl3, तो याद आया स्टार्टिंग वाला एक्सेस वाला क्वेश्चन कि CCl3 सिंगल बॉन्ड CCl3 किससे बना सकते थे हम, इथेन से, तो अगर किसी तरीके से मैं इथेन बना दूं तो काम बन जाएगा। देखो तो कैल्शियम कार्बाइड आपको दिया हुआ है, बट कैल्शियम कार्बाइड का अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन, और इस एसिटिलीन को CH ट्रिपल बॉन्ड CH का
हाइड्रोजनेशन कर दो S2/platinum, तो फुल हाइड्रोजनेशन करके आपको मिल गया इथेन, और इथेन के साथ क्लोरीन अगर आपने एक्सेस में ले लिया तो दैट इज CCl3 सिंगल बॉन्ड CCl3, दैट इज C2Cl6 पहला वाला हो गया। क्लोरोफॉर्म फ्रॉम कार्बन डाइसल्फाइड, तो क्लोरोफॉर्म कार्बन डाइसल्फाइड से कैसे बनाना है, दैट गिव्स यू CCl4, ठीक है। और CCl4 की अगर आप FeHCl के साथ स्लाइट रिडक्शन करें, ठीक है, तो वन क्लोरीन विल बी रिप्लेस बाय हाइड्रोजन, दैट विल गिव यू क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म इस तरह से आप बना सकते हैं कार्बन डाइसल्फाइड से। देन नेक्स्ट वन, द क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स, एक्सप्लेन इन नॉट मोर देन 2 सेंटेंस। देखिए बहुत अच्छी बात, पुराने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ये भी थी, वो ये भी बोलते थे कि भाई एक्सप्लेन भी करो, पर ज्यादा फालतू की कहानी नहीं लिखनी है, रामायण नहीं लिखनी है, 2 lines, दैट्स ऑल, क्योंकि उस टाइम पे सब्जेक्टिव पेपर था, ठीक है, मैनुअली चेक होते थे पेपर। तो क्लोरोफॉर्म एयर की प्रेजेंस में, ठीक है, मॉइस्चर, एयर और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, इट फॉर्म्स फॉस्जीन, विच इज अ वेरी वेरी पॉइजनस गैस, जो वर्ल्ड वॉर में केमिकल वॉरफेयर के लिए यूज हुआ था। तो क्लोरोफॉर्म से क्या बनता है बेटा, सनलाइट और एयर की प्रेजेंस में फॉस्जीन, ठीक है, CuCl2। तो इसीलिए उसको डार्क कलर्ड बॉटल्स में रखते हैं ताकि वो सनलाइट के साथ उसका एक्सपोजर ना हो। नेक्स्ट वन, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखिए पहला, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद एनिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ अल्कली। चलिए एनिलीन है, ठीक है, NH2 क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस अल्कली OH नेगेटिव, कुछ याद आया, दिस इज क्या बनता है इसमें, फॉल्स स्मेलिंग, गंदी स्मेल वाले आइसोसाइनाइड्स, कार्बाइलामीन रिएक्शन, NC कार्बाइलामीन बनता है ना इसमें, बैड स्मेलिंग। तो ये पहला वाला तो हो गया। सेकंड, CH3 ट्वाइस, CCl, CH2, CH3, अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH क्या कर देगा, अल्कोहलिक KOH करता है एलिमिनेशन, तो Cl यहां से जाएगा, H यहां से भी जा सकता है, H वहां से भी जा सकता है। तो एक बार CH2 डबल बॉन्ड CCH3, एक बार ये भी बन सकता है माइनर, और जो मेजर बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH, ये बन जाए आपके पास मेजर। दिस वन अल्कोहलिक KOH से ट्रीट किया, तो यहां से BR जाएगा, यहां से H जाएगा, तो क्योंकि यहां पर आएगा डबल बॉन्ड, क्यों, क्योंकि उधर क्यों नहीं, उधर भी आ सकता था, पर ये डबल बॉन्ड आगे बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, इसलिए स्टेबल होगा। फिर उसके बाद उसमें HBr ऐड कर दिया, तो फिर से अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर जब HBr ऐड करोगे ना तो कार्बोकैटायन यहां पे बनेगा, क्योंकि यहां वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो ब्रोमीन फिर यहां पे लगेगा, तो जो एंड प्रोडक्ट है उसमें यहां पे ब्रोमीन लग जाएगा, तो दैट विल बी PHCHBrCH2CH3, सिंपल, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, pH इथाइल बेंजीन को ब्रोमीन के साथ हीट किया लाइट, फिर NaCN, ठीक है। तो फर्स्ट आपका जो इथाइल बेंजीन था CH2CH3, इसको आपने ब्रोमीन के साथ हीट किया, दैट इज फ्री रेडिकल अटैक, तो CHBrCH3, और फिर उसको साइनाइड के साथ आपने ट्रीट किया, तो pH और ब्रोमीन की जगह लग जाएगा साइनाइड CH3, दिस इज अ कायरल सेंटर, तो कायरल सेंटर, तो उसका एक और आप इनेंशियमर भी बना सकते हैं, यहां पर क्लोरीन आयरन की प्रेजेंस में, मतलब FeCl3 की प्रेजेंस में, तो CCl3 इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो क्लोरीन क्योंकि आयरन की प्रेजेंस में, मतलब FeCl3, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, पर क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है ये, तो ये क्लोरीन को लगाएगा मेटा पोजिशन पे। ये हो गया CH3CH2Br AgCN, AgCN के साथ क्या बनते हैं आइसोसाइनाइड्स, CH3CH2NC, और यहां पर KNH2, KNH2 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, NH2 नेगेटिव, तो NH2 नेगेटिव क्या करेगा, क्या करेगा, HBr निकालेगा, ठीक है। तो जब NH2 नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव निकालेगा, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट, ठीक है, उसके बाद क्या होगा,
यहां से फिनाइल शिफ्ट होगा और फिर बी आर बाहर जाएगा तो बन जाएगा पी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी पी एच। तो एच बी आर तो निकलेगा पर एच और बी आर दोनों एक ही कार्बन पे लगे हैं तो ड्यूरिंग द एलिमिनेशन यहां से फिनाइल भी शिफ्ट करेगा और फिर ब्रोमाइड बाहर जाएगा। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट वन, चलो ठीक है, आज काफी हो गया। अब नेक्स्ट क्लास के लिए आपको टाइम देते हैं तो एक काम करो, ये भी क्वेश्चन सिंपल सिंपल से, ये वाला आपका क्या है, सिंपल आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये। ठीक है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाओ, यहाँ पे बी आर बाहर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ये बनेगा, हाइड्राइड शिफ्ट के बाद ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, उसका टैग करवा लो एक बार, ऑर्थो पे एक बार करवा लो, पैरा पे। ऑर्थो पे हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगी तो पैरा वाला आपका मेजर प्रोडक्ट आएगा और इस केस में CBr2 बनेगा, डाइब्रोमोकार्बिन, डाइब्रोमोकार्बिन इस पे टैग करेगा और ये रिंग पूरा आपका 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगी। और चलो तो एक काम करना, अब सबसे अच्छी बात क्या कि ये सारे के सारे जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर आईआईटीज के, ये आपको काफ़ी बुक्स में मिल ही जाएंगे, तो इनको सॉल्व कर लेना एक बार। यस, बहुत सिंपल है, टाइम लगेगा नहीं, पर जो थोड़े बहुत बच गए हैं मैं सॉल्व नहीं करवा पाया आज, तो इनको बेटा आप सॉल्व सारे के सारे कर लो तो काफ़ी आपके लिए सही रहेगा। जैसे कोई ये क्वेश्चन दिया ना, नॉट मोर देन 5 to 7 steps, से ज़्यादा में नहीं करना ये कन्वर्जन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कन्वर्जन करनी है और एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स में आपको वो करनी है। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। और बच्चों अगर आपको देखिए अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर कर देना, और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में सोच रहे हो डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड JLIFE, क्योंकि आपको 10% डिस्काउंट मिलता है JLIFE कोड से। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, हैव अ ग्रेट डे, और कमेंट्स में फीडबैक दे देना आपको आज के सेशन से कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ना चाहिए वो, बिल्कुल बढ़ेगा, राइट। चलिए मिलते हैं, ओके देन।